हेडिंग डालना, चैप्टर नंबर 6 सर्कल करके डालो हेडिंग। ओके, अब सबसे पहले चीज सर्कल है क्या, तो हम लोग जस्ट इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चीज हम लोग सर्कल में क्या करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स और ये डिफाइन करेंगे, फिर बाद में हम लोग एग्जैक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। ओके, अब सबसे पहले चीज सर्कल में सबसे मेन आपको पता रहना चाहिए इसमें क्या रहता है, एक सेंटर रहता है। ओके, अब यहां पे सबसे पहले चीज, अगर आपने एक पॉइंट से क्या किया, दूसरे पॉइंट को कनेक्ट किया, चलो इसका हम लोग नाम देते हैं ए बी। तो ये जो ए बी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ए बी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं। आप क्या बोलोगे, इट इज अ सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। जस्ट इसका डेफिनेशन जस्ट याद रखना, कॉर्ड क्या है, एक सेगमेंट जो क्या करता है, सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करता है। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये क्या, पॉइंट नंबर 2। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेडियस का नाम है ओ, लेट्स से इसका नाम क्या है सी। तो यहां पे ये जो ओसी रहेगा, ओसी को हम बोलते हैं रेडियस है। रेडियस क्या करेगा, तो यहां पे बोल सकते हो इट इज अ सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर टू द सर्कल। और जो तीसरा वाला जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज डायमीटर। डायमीटर क्या रहेगा, एक ऐसा लाइन, इसका नाम देते हम लोग डी ई। ओके, तो ये जो डी ई रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो ये डायमीटर क्या रहेगा, क्या बोल सकते हो, इट इज अ सेगमेंट कनेक्टिंग सेंटर ऑफ सर्कल टू द टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। मतलब क्या करेगा, सेंटर के साथ साथ सर्कल के दो पॉइंट्स को भी क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे टैंजेंट। ओके, अब यहां पे आप लिख सकते हो, चलो ये जो लाइन है, चलो इसका नाम लिखते हैं लाइन एल। ओके, तो ये जो लाइन एल रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैंजेंट बोलते हैं। ये इसके बारे में लिख सकते हो, इट इज अ लाइन विच कट्स सर्कल एट वन पॉइंट एक्सटर्नली। क्या आते हैं, पहले छोटे छोटे डेफिनेशन लेके ना, फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लिख के रखना। सबसे फर्स्ट है रेडियस के रिलेटेड प्रॉपर्टी है, लिखना रेडियस, ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ डायमीटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायमीटर इज टू इंटू क्या रहेगा, रेडियस। कोई भी एक लिख सकते हो, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, या फिर डायमीटर क्या लिख सकते हो, टू टाइम्स द रेडियस रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप एक प्रॉपर्टी लिख सकते हो, ऑल रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, एंड दूसरा क्या लिख सकते हो, वैसे ही आप लिख सकते हो, ऑल डायगनल्स ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल।
मेन क्या रहना चाहिए, सारे जो भी आप डायगनल्स ने, सॉरी डायमीटर लिखना, डायमीटर, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज, ये अभी मोस्टली सम्स में सब काम आएगा. ओके, लेट्स से ये हमारा सर्कल है, सेंटर सी है, ये एक सेगमेंट है हमारा ए बी. अगर आपने सेंटर से ए बी के तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन बना लिया, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, जस्ट लिख के रखना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड. बाइसेक का मतलब क्या रहेगा, ये दोनों पार्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. तो यहां पे आप लिख सकते हो ए डी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, बी डी. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट, यहां पे अगर आप रेडियस बनाओगे, लेट्स से ये आपने क्या बनाया, यहां पे रेडियस बनाया, तो आप क्या लिख सकते हो, ए सी इक्वल टू क्या रहेगा, बी सी, या ब्रैकेट में डाल सकते हो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. एंड ये मेरे को पता नहीं आपके टेक्स्ट बुक में है कि नहीं, दैट इज टैंजेंट. ठीक है, लेट्स से ये हम लोग का क्या है, सेंटर. सेंटर से अगर आप टैंजेंट की ओर एक लाइन बनाओगे, तो वो हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द टैंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर. ओके, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर दिया. ऑफ कोर्स यहाँ पे सबसे पहले आप क्या बनाओगे, सर्कल बनाओगे. एक कॉर्ड दिया है, कॉर्ड मतलब क्या रहेगा, लाइन जॉइनिंग सर्कल एट टू पॉइंट्स. तो ये भी आपने बना लिया. इसका डिस्टेंस सेंटर से हमें कितना दिया है, यहां से सेंटर से डिस्टेंस हमें दिया है कि कितना है, ये 8 है करके. तो मैं ये 8 लिख लेता हूं. डिस्टेंस कॉर्ड का नाम क्या है, तो कॉर्ड का नाम हमें क्या दिया है, ए बी दिया है. फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल बोला. ओके फाइन, तो हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आप देखना यहाँ पे सॉल्यूशन. सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, ड्रॉ सी डी परपेंडिक्युलर टू यहां पे क्या आएगा, ए बी. सबसे पहला काम ये करो, तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा. नेक्स्ट आप क्या करोगे, जॉइन ए से सी तक आप क्या करो, जॉइन करो. तो यहां पे आएगा जॉइन ए सी. ये पार्ट भी आपने कर लिया. अब यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जिसका नाम क्या है, सी ए, और यहां पे क्या है, डी. जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, तो आप क्या यूज करोगे डिस्टेंस मेजर करने, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे. ओके, अब एक और एक चीज दिया है, हमें दिया गया है कि ए बी जो है ये क्या है, 12 है. इसका मतलब ये पूरा लेंथ आपको दिया है कितना है, 12 है करके. अगर आप सेंटर से कॉर्ड की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, तो आपका कॉर्ड क्या होएगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होएगा. इसका मतलब अगर ये पूरा 12 रहेगा, तो आपका ए डी 6 रहेगा, आपका बी डी कितना रहेगा, 6 रहेगा. ठीक है, तो आप चाहे तो यहां पे ये भी लिख सकते हो, ए बी ये इक्वल टू क्या रहेगा, सॉरी ए बी नहीं, आपको ए बी कितना दिया, इट इज गिवन एज 12 दिया है. नेक्स्ट आप यहां पे क्या लिख सकते हो, ए डी इक्वल टू क्या रहेगा, बी डी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ ए बी रहेगा. यहां पे आप लिख सकते हो हाफ ऑफ 12,
विच इज कितना आएगा यहाँ पे 6. इसका रीजन आपने को मैंने ऑलरेडी बताया है. यहाँ पे आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड. चलो इधर तक क्लियर हो गया. अब हमें ट्रायंगल का सीडी पता है कितना है 8 है, एडी पता है कितना है 6. आप इजीली अभी एसी निकाल सकते हो. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एसी स्क्वायर इक्वल टू आएगा, इट विल बी एडी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा सीडी स्क्वायर. तो ये आएगा एडी का आपको वैल्यू दिया है ये कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर विच विल बी 36 प्लस 64. इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आने वाला है, इट विल बी 100. हमें सिर्फ एसी से मतलब है, तो स्क्वायर जब भी दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा 10. तो हमें रेडियस मिल गया है 10 है करके. हमें क्या चाहिए, डायमीटर. तो हमने ये भी लिख के रखा है कि जो डायमीटर रहता है ये रेडियस का क्या रहता है, डबल. तो ये कितना रहेगा, 2 × रेडियस रहेगा विच इज इक्वल टू क्या रहता है 2 × 10 विच इज कितना यहाँ पे आएगा 20. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक सर्कल है इसका हमें क्या दिया, डायमीटर. अब डायमीटर एक ऐसा लाइन है जो क्या कहता है, सर्कल के 2 पॉइंट्स को क्या कहता है, कनेक्ट करता है, अलोंग सेंटर को भी वो कनेक्ट कर देता है. ये चीज कंफर्म हो गया. अब नेक्स्ट हमें क्या दिया, लेंथ ऑफ कॉर्ड. कॉर्ड क्या रहता है, एक ऐसा लाइन जो क्या करेगा, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे बस कट करेगा. ओके अब नेक्स्ट हमें डायमीटर दिया है कि डायमीटर कितना है, ये 26 है करके. तो मतलब ये जो पूरा लेंथ है ये कितना है, इट इज 26. इसका मतलब इसका जो रेडियस रहेगा दैट इज यहां से लेके यहां तक, ये जो रेडियस रहेगा क्या रहेगा, 26 का हाफ जो कितना रहेगा 13. नेक्स्ट आप क्या करोगे, सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे. आपको ये पूरा लेंथ दिया है कितना है, दिस पूरा लेंथ इज कितना, इट इज 24. तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे भी 12 रहेगा और इधर भी क्या रहेगा. अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, ठीक है. चलो हम लोग सब नाम लिखते हैं, तो इसका नाम क्या लेते हैं हम लोग, ए बी. सेंटर का नाम हम लोग ओ लेते हैं. यहाँ पे ये क्या रहेगा, ए सी. और ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या लेंगे, डी. ओके अब इसको कैसे लिखेंगे आप, तो सबसे पहले ए बी इज डायमीटर. सबसे पहले ए बी क्या रहेगा, डायमीटर. तो इसका मतलब ए ओ ये इक्वल टू क्या रहेगा, बी ओ. ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ ए बी विच इज हाफ ऑफ 26 जो कितना रहेगा 13. इधर आप लिख सकते हो रेडियस ये इक्वल टू क्या रहता है, हाफ ऑफ डायमीटर. ये पार्ट हो गया. नेक्स्ट आप वैसे क्या लिख सकते हो, ए डी ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ ए सी विच इज हाफ ऑफ 24. हाफ ऑफ 24 कितना आएगा, 12 आएगा. अब इसका आप रीजन क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्स इट. चलो ये पार्ट भी हमारा हो गया. नेक्स्ट आप क्या नोटिस कर रहे हो, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. ये ट्रायंगल का नाम आएगा ए ओ डी. ये 90 डिग्री रहेगा. इसमें हमें ए ओ पता है कितना है 13 है, ए डी पता है कितना है 12 है. तो हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे ओ डी ढूंढना है. तो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, 90 डिग्री का जो ऑपोजिट है मतलब ए ओ, ये हम लोग क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूस रहेगा. तो ए ओ का स्क्वायर ये इक्वल टू रहेगा डी ओ का स्क्वायर प्लस क्या रहेगा ए डी का स्क्वायर. ए ओ आपको दिया है कितना है 13 का स्क्वायर, डी ओ आपको ढूंढ के निकालना है, ए डी आपको दिया कितना है 12 का स्क्वायर है. 13 का स्क्वायर है 169, 12 का स्क्वायर है 144.
प्लस 144 इधर गया तो क्या होएगा, माइनस 144, ये इक्वल टू क्या रहेगा, डी ओ का स्क्वायर। सब्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 25 स्क्वायर, दूसरे साइड गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा, 5। तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर कितना है, इट इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। अब फोर्थ क्वेश्चन में हम, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते, एक सर्कल यहाँ पे बनाएंगे जिसका हमें क्या दिया, रेडियस दिया है। तो यहाँ पे जो रेडियस है ये कितना है, इट इज 34। एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब सबसे पहले आपने क्या बनाया, एक कॉर्ड बनाया, इसका सेंटर से डिस्टेंस आपको दिया है, ये डिस्टेंस कितना है, इट इज 30 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट कर। सबसे पहले आप अपने हिसाब से नाम देना, सेंटर का नाम ओ रहेगा, कॉर्ड का नाम हम लोग ए बी देते, और ये क्या रहेगा, जहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट किया है वो क्या रहेगा आपका डी। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल दिख रहा है, ये क्या रहेगा, ओ ए डी रहेगा, जिसमें ये कितना है 34, ये कितना है 30। आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे ए ओ स्क्वायर इक्वल टू रहेगा ए डी स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, ओ डी स्क्वायर। तो ए ओ स्क्वायर आपको दिया है कितना है, 34 का स्क्वायर है, ए डी का स्क्वायर आपको ढूंढना है, ओ डी आपको दिया 30 का स्क्वायर है, तो 34 का जो स्क्वायर है तो ये कैसे करोगे, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आएगा 16 1, 4 3 12 13, ये कितना होएगा 16 1, ये कितना होएगा 10 6 9 1, और यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1196। 30 का स्क्वायर 900 है, प्लस 900 इधर गया तो क्या होगा, माइनस 900 इक्वल टू क्या रहेगा, AD का स्क्वायर। इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, इट विल बी 296 इक्वल टू क्या रहेगा, AD का स्क्वायर। जस्ट यहाँ पे ना जस्ट करेक्शन कर लेना, यहाँ पे रहेगा 3 4 12 है, 1 कैरिड ओवर, और ये तो कितना आएगा 6, ये आएगा 5, 1156 आएगा, जस्ट ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 1156 आएगा, 1156 माइनस 900 कितना रहेगा, इट विल बी 256 रहेगा। स्क्वायर दूसरे साइड गया तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट होएगा, 256 का जो स्क्वायर रूट है ये कितना आएगा, इट विल बी 16। अब हमें क्या चाहिए, कॉर्ड का लेंथ चाहिए, तो यहाँ पे जो ए बी रहेगा ये क्या रहेगा, इट विल बी 2 times ऑफ ए डी रहेगा। इसका रीजन हमने ऑलरेडी लिखा है, दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। तो यहां पे आएगा ए बी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, 2 into 16, विच इज कितना आएगा यहाँ पे 30। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर दिया है ओ, रेडियस कितना दिया हमें, दिस इज कितना 41। ओके, लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू, तो यहाँ पे कॉर्ड है, इसका नाम क्या दिया है, पी क्यू, इसका लेंथ कितना दिया, 80 दिया, मतलब ये पूरा लेंथ आपको 80 बोला गया है। अब नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब हमें यहां से इधर तक का डिस्टेंस ढूंढना है। ओके, अब हमें पता है जब भी आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये दोनों लाइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऑफकोर्स ये बाइसेक करेगा, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, सबसे फर्स्ट इधर आपको दिया है पी क्यू कितना है, इट इज 80, तो यहाँ पे पी डी ये इक्वल टू क्या रहेगा, डी क्यू, ये इक्वल टू रहेगा हाफ ऑफ पी क्यू,
विच इज हाफ ऑफ 80 आएगा. तो 80 का जो हाफ रहेगा ये कितना रहने वाला है 40. इसका रीजन हमने ऑलरेडी लिखा है, दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड. ओके, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है. ये कितना है 41 है, ये कितना है 40 है, ये 90 डिग्री है. इसका नाम दिया है ओ पी डी. पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आएगा, ओपी स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू साइड वन का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा साइड टू का स्क्वायर. ओपी स्क्वायर मतलब कितना आएगा 41 का स्क्वायर. पीडी का स्क्वायर तो यहाँ पे पीडी आपको कितना दिया 40 का स्क्वायर. हमें ओडी ढूंढ के निकालना है. 41 का स्क्वायर इज 1681 प्लस 40 स्क्वायर. 40 स्क्वायर कितना आएगा 1600. इधर गया तो क्या होएगा माइनस 1600. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा 81 इक्वल टू क्या रहेगा ओडी स्क्वायर. स्क्वायर दूसरी साइड गया तो आपको पता है क्या होगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 81. 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, इट विल बी 9. अब सबसे फर्स्ट ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका डायग्राम आपको दिया गया. अब जरा ये डायग्राम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया, दो सर्कल्स दिया है. ये पहला वाला सर्कल दिया है और इसके साथ साथ और एक एक सर्कल यहाँ पे दिया है. दोनों का सेंटर क्या है, तो दोनों का सेंटर हमें क्या दिया है ओ दिया है. यहाँ पे एक लाइन कनेक्टेड है, ये लाइन का नाम हमें दिया है ए पी क्यू और यहाँ पे क्या दिया है बी दिया है. ओके, अब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो ए पी डिस्टेंस रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, बी क्यू के बराबर रहेगा. ओके, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखो, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ए पी और बी क्यू है. इसका मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले चीज है 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, ये तो चीज कन्फर्म है क्योंकि हमें यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, कॉर्ड का प्रॉपर्टी यूज करना. तो हम लोग वही सेम चीज यूज करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, तो लिखना कंस्ट्रक्ट ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी. ये चीज आपने बना लिया. अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने परपेंडिकुलर बना लिया तो आप क्या लिख सकते हो ए डी ये इक्वल टू क्या रहेगा बी डी. इसका रीजन लिखोगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड. ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया है. नेक्स्ट वैसे आप क्या लिख सकते हो, देखो छोटे सर्कल के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो छोटे सर्कल ही आप लिख सकते हैं डी पी ये इक्वल टू क्या रहेगा डी क्यू. इसका रीजन भी क्या आएगा, यही सेम आएगा. ओके, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, ये वाले पार्ट को मैं इक्वेशन वन लिखूंगा, ये वाले पार्ट को मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन टू. अब ये जो एडी है इन इक्वेशन वन, एडी किसका बना हुआ है, तो यहां पे आप लिख सकते हो एडी ये इक्वल टू क्या रहेगा एपी प्लस क्या रहेगा डीपी. इसका रीजन आप क्या लिखोगे, पी इज बिटवीन ए एंड डी. सिमिलरली आप डी बी को कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे डी बी ये इक्वल टू क्या रहेगा डी क्यू प्लस क्या रहेगा बी क्यू. इसका भी रीजन आप क्या लिखोगे, क्यू इज बिटवीन डी एंड बी. अब लेकिन आपको इक्वेशन वन से क्या बताया गया कि ये दोनों इक्वल है, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो ए पी प्लस डी पी ये इक्वल टू क्या रहेगा डी क्यू प्लस क्या रहेगा बी क्यू. अब फ्रॉम इक्वेशन टू, अब इक्वेशन टू क्या बोल रहा है कि हमारा डी पी और डी क्यू क्या रहेगा सेम रहेगा, तो इसका मतलब क्या होएगा, ये पार्ट और ये पार्ट क्या होएगा कैंसिल क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे से बराबर है. देयरफॉर आप बोल सकते हो ए पी इक्वल टू क्या रहेगा बी क्यू. क्या है प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल
बाइसेक्स टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल. तो लेट्स से अभी ये डायग्राम जो है इसको जरा बराबर से बनाना पड़ेगा. तो हमें यहाँ पे क्या दिया, दो कॉर्ड्स दिए. तो लेट्स से मैं जो कॉर्ड है इसको मैं ब्लू कलर के थ्रू बता रहा हूँ, ये मेरा पहला कॉर्ड है और लेट्स से ये मेरा दूसरा कॉर्ड है. आपने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट किया, एक डायमीटर कंस्ट्रक्ट किया. तो ये डायमीटर को मैं किससे बना रहा, येलो कलर से बना रहा हूं. एंड ये जो डायमीटर है ये कर रहा है, ये दोनों कॉर्ड्स को क्या कर रहा है, बाइसेक कर रहा है. मतलब ये दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या रहेगा, ये दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे से क्या रहेगा, पैरेलल. चलो मैं इन सबका नाम देता हूं. तो ये कॉर्ड का नाम हम लोग, एक कॉर्ड का नाम देते हैं ए बी, दूसरा कॉर्ड का नाम हम लोग क्या देते हैं सी डी, और ये जो डायमीटर है इसका नाम हम लोग क्या देंगे, एक्स वाई. यहाँ पे चलो लिख के रखते. फर्स्ट लिखना, सबसे पहले एक्स वाई क्या है, इट इज डायमीटर. वैसे सी डी और जो ए बी है ये क्या हमारा कॉर्ड्स है. ओके, अब हमें सबसे पहले चीज क्या क्या दिया है, लेट से यहाँ पे जो कॉर्ड को जो आप बाइसेक कर रहा है ये पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं पी, यहाँ पे जो बाइसेक्ट हो रहा है ये पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं क्यू लेते. ओके, अब सबसे पहले चीज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ए पी ये इक्वल टू क्या है बी पी, इसका क्या मतलब है. देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर चलो सेंटर का नाम हम लोग क्या देते हैं ओ, देयरफॉर एंगल ओ पी ए ये इक्वल टू कितना रहेगा 90 डिग्री. अब देखो हमने इतना देर से हमने क्या प्रूव किया था, जब अगर ये 90 डिग्री रहेगा तो ये दोनों क्या रहेगा हाफ. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली उल्टा, अगर ये हाफ रहेगा इसका मतलब ये एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री. क्लियर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ अ लाइन फ्रॉम सेंटर bisects chord, then the angle is perpendicular. वैसे आप चलो वैसे आप क्या लिख सकते हो, angle, therefore angle OQC ये भी कितना रहेगा 90 degree. Reason इसका भी क्या रहेगा, same reason आएगा. Okay, अब एक चीज आप notice करोगे, ये 90 degree है प्लस यहाँ पे ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये भी कितना 90 डिग्री. तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल, यहाँ पे इसका नाम दिया था क्यू, तो ये आएगा एंगल ओ क्यू डी इक्वल टू कितना 90 डिग्री. देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर ए बी ये इक्वल टू क्या रहेगा, सॉरी इक्वल टू नहीं गलती हो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी बोल सकते हो. अब ये कौन से टेस्ट से पैरेलल है, तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, एक जेड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, आप नोटिस भी कर सकते हो एक जेड फॉर्म हो रहा है. तो ये कैसे टाइप के एंगल्स रहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स रहेंगे. यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट.